नमस्कार बच्चों, मैं सुमित्रा गौतम। आज हम आपको कक्षा 8 का पाठ 9 कबीर की साखियाँ समझाएंगे। बच्चों, पाठ का नाम है कबीर की साखियाँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी जो थे बच्चों, वो भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि थे। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ का पहला दोहा। जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति न पूछो साध की, साध का अर्थ होता है सज्जन। पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान यानी जानकारी। मोल करो तरवार का, मोल यानी महत्व कीमत, तरवार यानी तलवार। तो देखो बच्चों, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं जो सज्जन पुरुष होते हैं ना बच्चों, तो हमें उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उनके ज्ञान को देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को जाति के आधार पर नहीं बच्चों, ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। जैसे हम तलवार खरीदने जाते हैं, तो जब हम तलवार खरीदने जाते हैं ना, तो किसकी कीमत पूछते हैं? तलवार की कीमत पूछते हैं। और जिसमें तलवार रखते हैं उसको क्या कहते हैं? म्यान। तो म्यान की तलवार म्यान की कीमत थोड़ी ना पूछते। तो अर्थात हम जब तलवार खरीदने जाते हैं तो म्यान की कीमत नहीं पूछते, बल्कि हम तलवार की कीमत पूछते हैं। इसी तरह से मनुष्य को सज्जन पुरुष की जाति नहीं पूछना चाहिए, उसके ज्ञान को देखना चाहिए। अब अगला दोहा है बच्चों, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। आवत गारी, गारी का अर्थ होता है गाली, और आवत होता है आते हुए। उल्टत, उल्टत का अर्थ होता है पलट कर। तो देखो बच्चों, आवत गारी एक है, जब कोई हमें गाली देता है ना, कबीरदास जी कह रहे हैं जब कोई हमें गाली देता है तो वो एक होती है, लेकिन जब हम उसको उल्टत यानी पलट कर देते हैं तो वो अनेक हो जाती है। जैसे किसी ने एक गाली दी, फिर हमने उसको गाली दी, फिर उसने हमें गाली दी, फिर हमने गाली दी, ऐसे कई गालियाँ हो जाती है। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की है। कबीरदास जी कह रहे हैं इसलिए हमें कभी भी गाली कोई हमें देता है तो हमें उसे पलट कर वापस गाली नहीं देना चाहिए। अर्थात जब कोई हमें गाली देता है तो वो एक होती है, और जब हम उसको पलट कर देते हैं तो वो और बढ़ जाती है। अगर हम उसकी एक गाली पर ध्यान नहीं देंगे तो वो एक ही ख़त्म हो जाएगी। अर्थात कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे तो हमें उसके साथ वापस गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला देखो बच्चों, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, मनवा तो दौ दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नाई। माला तो कर में फिरे, कर यानी हाथ, फिरे यानी फिरना घूमना, जीव फिरे मुखमाई, मनवा यानी मन, दहु यानी दस, दिसी फिरे दिशाओं में फिरे, ये तो सुमिरन नाई। सुमिरन यानी याद करना। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में तो क्या हो, माला फिरती रहती है, जीभ मुंह में घूमती रहती है, मन जो है वो दस दिशाओं में घूमता रहता है, तो ये तो ईश्वर को याद करना नहीं है। अर्थात कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य जब भगवान को सुमिरन करता है ना, तो हाथ में माला को फिराता रहता है और मुख में भगवान का नाम लेता रहता है, तो जीभ पूरे मुँह में घूमती रहती है, लेकिन उसका मन क्या है, चंचल है। तो मन क्या होता है, दस दिशाओं में इधर उधर घूमता रहता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये तो भगवान को याद करना नहीं है, ये तो भगवान का सुमिरन नहीं है। अर्थात जब हम पूजा करते हैं
तो हाथ भी चलता है, जीभ भी चलती है, परंतु मन जाने कहाँ कहाँ घूमता रहता है, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है। कबीर, घास नहीं निंदही जो पाऊँ तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। कबीर, घास नहीं निंदई, कबीरदास जी कह रहे हैं कि घास नहीं निंदई जो पाऊँ तली होए, अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि घास को छोटा समझ करके पैरों के नीचे नहीं दबाना चाहिए, उसे पैरों के तले नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि अगर घास का एक छोटा सा तिनका भी है ना, अगर आँख में आ जाता है तो वो बहुत दुख देता है। अर्थात घास कैसी है, घास को हम बहुत ऐसे समझते हैं कि ओ इसको तो हम पैरों के नीचे कुचल देंगे, लेकिन उसको छोटा मत समझो, उसका एक छोटा सा तिनका भी अगर उड़ करके हमारी आँख में आ गया तो वो हमें बहुत देर तक दुख देता है, अर्थात कभी भी हमें उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। मनुष्य को कभी भी खुद को बड़ा और सामने वाले को छोटा समझना नहीं चाहिए, और कभी भी छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा भी कभी कभी हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक हो जाता है। जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब होए। जग यानी संसार, संसार में बेरी यानी दुश्मन, शीतल यानी ठंडा, और आपा का अर्थ होता है स्वार्थ। जग में बेरी कोई नहीं, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य का मन शांत हो ना, तो संसार में कोई भी उसका शत्रु नहीं है। यदि हमारा मन शीतल है, यदि हमारा मन ठंडा है, तो इस संसार में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना चाहिए, या आपा को डारी दे, तो हमें हमारा जो स्वार्थ है, अहंकार है, उसे एक तरफ डाल देना चाहिए, अर्थात उसे समाप्त कर देना चाहिए। दया करे सबको, और दयावान होकर के सब पर दया करना चाहिए, अर्थात अगर हमारा मन ठंडा है तो इस संसार में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं हो सकता, और हमें स्वार्थ और अहंकार का त्याग कर देना चाहिए और सब पर दया करनी चाहिए। तो बच्चों, ये आज हमारा कबीर की साखियां पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद बच्चों।